भारत के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वास्थ्य लाभ को लेकर मनाली के प्रीणी के ग्रामीणों ने नवग्रह की पूजा करवाई। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर ग्रामीणों ने आराध्य देव के प्रांगण में एकत्रित होकर पूजा पाठ किया और देवी देवताओं से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। स्थानीय ग्राम पंचायत व लोगों का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी मनाली के प्रीणी को अपना दूसरा घर मानते थे। उन्होंने कहा कि अटल जी के कारण ही पूरी दुनिया में प्रीणी गांव का नाम रोशन हुआ है। पहले जब अटल बिहारी जी गांव आते थे तो बुजुर्गों संग बैठकर सुख दुख बांटा करते थे। उन्होंने बताया कि गांव में लगा देवदार का वृक्ष आज भी उनकी याद दिलाता है। विधायक गोविंद ठाकुर ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और देवी देवताओं से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सर्वप्रथम मैं स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे हुए श्रद्धेय अटल जी का स्वास्थ्य ठीक हो और अटल जी के द्वारा हमारी पंचायत में अनेकों कार्य हुए, जैसे स्वच्छ पानी, घर घर बिजली, शिक्षा के लिए स्कूल और गांव-गांव तक सड़क की सुविधाएं अटल जी के ही देन है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अटल जी स्वस्थ रहे। श्रद्धेय अटल जी, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। गुरु सरोवरी माता की जय जयकार व स्थानीय देवताओं की सबकी जय जयकार। मैं प्रधानमंत्री, पूर्व में रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके 91वें जन्मदिन पे बधाई देता हूँ तथा सभी गांववासियों की तरफ से, क्योंकि मैं भी इसी पंचायत में एक छोटा सा होटल बना रहा हूँ, अब इसी गांव का निवासी हूँ। इन सभी गांववासियों की तरफ से वाजपेयी जी को जन्मदिन की और देशवासियों को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ तथा आने वाले नववर्ष की भी बधाई देता हूँ। वाजपेयी जी एक ऐसे नेतृत्व रहे भारतवर्ष में, उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री रहे 90 के दशक में, तो ऐसे पॉजिटिव माइंडेड वो थे कि उन्होंने समन्वय बनाए रखा और भारत को पूरे संसार में बुलंदियों तक पहुँचाया। ग्रामीणों ने सुबह ही देवता के प्रांगण में एकत्रित होकर विद्वान पंडित द्वारा नवग्रह की पूजा करवाई और अपने देवता से अटल जी के स्वस्थ होने की कामना की। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।